इस दुनिया में न जाने कितने सारे कीड़े और जानवर मौजूद हैं, जिनमें से कुछ काफी खतरनाक होते हैं और कुछ शांत स्वभाव के होते हैं। ज्यादातर सभी लोग बड़े जानवरों को देखकर डर जाते हैं, लेकिन छोटे मोटे कीड़े ऐसे जीव हैं जिन्हें लोग नजरअंदाज कर देते हैं, और यही लोगों की बहुत बड़ी गलती है। और इसी वजह से हर साल हजारों लोग छोटे कीड़ों की वजह से मारे जाते हैं। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप दुनिया के सबसे जानलेवा और खतरनाक कीड़ों के बारे में जानने वाले हैं, और अगर आप गलती से भी इस कीड़ों को देख लें तो इसे छूने की कोशिश मत करना। अच्छा तो यही होगा कि आप इन छोटे कीड़ों को देखकर इनसे दूर भाग जाएं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें पूरा सपोर्ट मिलता है। किसिंग बग, आप इस कीड़े के नाम को सुनकर इसे क्यूट समझने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि दोस्तों ये कीड़ा बेहद ही खतरनाक है। ये खून चूसने वाला कीड़ा है जो कि इंसानों के मुंह, होंठ और आंखों के आसपास काटकर खून चूसता है। इस कीड़े के काटने से आपको जादस नाम की बीमारी हो जाती है, और इस कीड़े के काटने के बाद आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और आपको सांस लेने में भी काफी तकलीफ होने लगेगी। इस कीड़े का घर मैक्सिको, सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका है। ये कीड़े ज्यादातर दीवार, बिस्तर और फर्नीचर पे पाए जाते हैं। इसके काटने के बाद अगर इलाज ना कराया जाए तो मौत भी हो सकती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार हर साल 10,000 लोग इस किसिंग बर्ड्स के काटने से मारे जाते हैं। लोनोमिया ओब्लिकिया, कैटरपिलर नाम के कीड़े के बारे में आपने तो सुना ही होगा, पर आपको क्या पता है कि इस दुनिया में ऐसा कैटरपिलर है जो कि लोगों की जान ले लेता है, और इस कैटरपिलर का नाम है लोनोमिया ओब्लिकुआ। ये कीड़ा ग्रीन और ब्राउन कलर का होता है। ये कीड़ा दिखने में बेहद ही खूबसूरत होता है, पर दोस्तों इसकी खूबसूरती को देखने के बाद इसे छूने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना, क्योंकि ये बेहद ही जहरीला कीड़ा है। ये साइज में सिर्फ 1 से 2 इंच बड़े होते हैं, पर इनके शरीर के ऊपर हेयरिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें जहर होता है। इसीलिए इस कैटरपिलर को छूना अपनी मौत को गले लगाने जैसा होता है। ये कैटरपिलर ब्राजील में पाए जाते हैं। इसका जहर अगर आपके शरीर में चला जाए तो सिर दर्द, उल्टियां, बुखार आने लगता है और मौत भी हो जाती है। इस कैटरपिलर ने आज तक करीब 500 लोगों की जान ले ली है। फायर एंट, इन चींटियों को छोटा समझकर आप ये सोच रहे होगे कि आखिर ये आपका क्या बिगाड़ सकती हैं, लेकिन दोस्तों ये चींटी भी आपकी जान ले सकती है। इस चींटी के अंदर होता है स्टोमाइक नाम का एक जहर। इस चींटी के काटते ही गले में स्वेलिंग और ब्रीथिंग की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ये चींटी इसलिए भी जानलेवा होती है क्योंकि ये हमेशा झुंड बनाकर हमला करती है। इसीलिए ये चींटी एक शरीर पर काफी मात्रा में जहर छोड़ देती है, जिसकी वजह से कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। ये चींटियां यूएसए में पाई जाती हैं, और आप ये बात जानकर हैरान हो जाओगे कि यूएसए में ये चींटियां हर साल 5 मिलियन यानी कि 50 लोगों को काटती हैं। तो दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये चींटियां कितनी ज्यादा एग्रेसिव होती हैं। इस चींटी के काटने की वजह से हर साल यूएसए में 30 से 50 लोग मारे जाते हैं। सेंटीपीड, इस कीड़े को शायद आपने पहले कभी देखा होगा। ये कीड़े दिखने में काफी डरावने लगते हैं, लोग तो इसे देखकर ही भाग जाते हैं। इस कीड़े में जहर तो होता है, पर इतना खतरनाक नहीं कि ये किसी इंसान को मार सके। काफी रेयर केसेस होते हैं कि इसके काटने के बाद इंसान की जान चली जाए। आज तक पूरी दुनिया में सेंटीपीड के काटने की वजह से सिर्फ 3 लोगों की मौत हुई है, पर जिसे भी ये काटता है वह इसके दर्द को सहन नहीं कर पाता है। और तो और ये कीड़ा कई बार इंसान के कान में भी घुस जाता है, जो कि घुसने के बाद काफी ज्यादा दर्द देने लगता है। वैसे तो ये सिर्फ 1 सेंटीमीटर के होते हैं, पर आज तक का सबसे बड़ा सेंटीपीड 30 सेंटीमीटर तक का पाया गया है, जो आप इस वीडियो क्लिप में देख सकते हैं। ये आपके हाथ जितना बड़ा हो सकता है। बोट फ्लाई, बोट फ्लाई एक पैरासाइटिक बग है जो कि काफी दर्द देती है। ये बोट फ्लाई अपने अंडे को मच्छरों के ऊपर छोड़ देती है, फिर जब ये मच्छर किसी जानवर या इंसान को काटता है तो फिर ये लार्वा के रूप में जानवर या इंसान के शरीर के अंदर चला जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये लार्वा जो आप देख रहे हैं, ये लार्वा फिर स्किन को अपना घर बना लेते हैं। फिर ये लार्वा 5 से 15 हफ्ते तक स्किन के अंदर रहते हैं। जानवर और इंसानों के शरीर में दोनों में ही घुस जाते हैं, जो आगे चलकर काफी बड़ी दिक्कत करते हैं। जब तक ये लार्वे पूरी तरह डेवलप नहीं हो जाते तब तक ये शरीर के अंदर ही रहते हैं। लेकिन अब डॉक्टर इन लार्वों को चिमटी की मदद से निकाल लेते हैं, और ये पल काफी ज्यादा दर्दनाक होता है जब इसे स्किन से बाहर निकाला जाता है।
दोस्तों इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगी है, आपको एक लाइक करने में सिर्फ एक सेकंड ही लगेगा। प्लीज दोस्तों लाइक जरूर कर देना। दुनिया के सबसे बड़े जंगल अमेजोन के बारे में आपने तो सुना ही होगा। अमेजोन का जंगल हमारे पृथ्वी का फेफड़ा माना जाता है, क्योंकि पृथ्वी का 20% ऑक्सीजन अमेजोन के जंगल से ही आता है। ये अमेजोन का जंगल एक नहीं बल्कि 9 देशों में फैला हुआ है। अमेजोन के जंगल में 4 अरब से भी ज्यादा पेड़ मौजूद हैं। ये पेड़ इतने बड़े और घने हैं कि यहाँ की जमीन धूप के लिए भी तरस जाती है, यानी कि कई हिस्सों में सूरज की रोशनी जमीन तक पहुँच ही नहीं पाती है। दोस्तों अमेजोन की नदी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जो कि 4000 मील लंबी है। लेकिन अगर पानी के स्टोरेज की बात की जाए तो अमेजोन की नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। दोस्तों आज अमेजोन के जंगल में अलग अलग हिस्से में अलग अलग तरीके के आदिवासी पाए जाते हैं। कुछ आदिवासी तो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं और कुछ आदिवासी तो बहुत ज्यादा नम्र भाव के होते हैं। जो नम्र भाव के आदिवासी होते हैं वह अमेजोन के जंगल के बाहरी हिस्से में रहते हैं और वह हमारी दुनिया से कॉन्टेक्ट में भी है और जल्दी ही बाहरी दुनिया से उनके अच्छे संबंध भी बने हैं। जब भी कोई टूरिस्ट इन्हें देखने जाता है तो यह अपने डांस से सभी टूरिस्ट को लुभा देते हैं। यह डांस ही नहीं, यह इनकी संस्कृति भी है। यह अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए हमेशा कोई ना कोई कार्यक्रम करते रहते हैं। दोस्तों अगर आपको आदिवासियों के बारे में और कुछ भी जानना है तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हमारी आने वाली अगली वीडियो आपको नहीं मिलेगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर देके जाना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।